दोस्तों हाल ही में हाउसफुल 4 का ट्रेलर रिलीज़ किया गया और मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया हाउसफुल 4 का ट्रेलर और दर्शकों ने और फैंस ने भी काफ़ी ज़्यादा प्यार दिया हाउसफुल 4 के ट्रेलर को, क्योंकि दोस्तों जो हाउसफुल 4 का ट्रेलर था वो 600 साल पुरानी कहानी को रिक्रिएट करके बनाया गया है और ऐसे में देखना काफ़ी दिलचस्प होने वाला है और फैंस काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हैं इस फिल्म को लेके। दोस्तों बात करें इस फिल्म के रिएक्शन के बारे में तो आपको बताते चलें कि हाल ही में ट्रेलर रिलीज़ किया गया, उसके बाद से सभी के अपने अपने अलग अलग रिएक्शन सामने आ रहे हैं और सेलिब्रिटीज़ ने भी अपना अपना अलग अलग रिएक्शन दिया। दोस्तों बात करें सलमान खान की तो सलमान खान से हाल ही में पूछा गया इंटरव्यू के दौरान कि आपको हाउसफुल 4 के बारे में क्या कहना है, तो सलमान खान ने सबसे पहले अक्षय कुमार की तारीफ की और तारीफ करते हुए सलमान खान ने अक्षय कुमार के बारे में कहा कि अक्षय कुमार सबसे ज़्यादा तेज़ी से बॉलीवुड में पैर जमाए हुए हैं और वो जिस तरीके से तरक्की कर रहे हैं बॉलीवुड में मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। वहीं हाउसफुल 4 के बारे में सलमान खान ने आगे कहा कि ये एक शानदार फिल्म होने वाली है, वहीं उम्मीद करता हूँ कि ये फिल्म जो हाउसफुल 4 है वो शानदार रिकॉर्ड बनाए बॉक्स ऑफिस पर और धमाका मचाए और दर्शकों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आए ये फिल्म। जी हाँ दोस्तों, सलमान खान का ऐसा पॉजिटिव रिव्यू देख के मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। वहीं बात करें शाहरुख खान की तो आपको बता दूं कि शाहरुख खान का भी रिएक्शन सामने आया। शाहरुख खान से इंटरव्यू में पूछा गया कि आपको अक्षय कुमार की फिल्म हाउसफुल 4 के बारे में क्या कहना है, तो शाहरुख खान ने जवाब देते हुए कहा कि अगर अक्षय कुमार की कोई फिल्म आ रही है तो वो बेहतरीन फिल्म होने वाली है, क्योंकि अक्षय कुमार की फिल्मों में कंटेंट इतना ज़बरदस्त होता है और हर एक एक्टर चाहता है कि उसके फिल्म में कंटेंट भर भर कर डाला जाए ताकि दर्शक काफ़ी ज़्यादा एंटरटेन हो और दर्शक काफ़ी ज़्यादा पसंद करें। और मैं भी उम्मीद करता हूँ कि अक्षय कुमार की जो हाउसफुल 4 फिल्म है वो ज़बरदस्त होगी। साथ ही साथ उन्होंने आगे कहा कि मैं भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और बेताब हूँ अक्षय कुमार की फिल्म हाउसफुल 4 देखने के लिए, क्योंकि एज अ कॉमेडी एक्टर अक्षय कुमार मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आते हैं। जी हाँ दोस्तों, शाहरुख खान का ऐसा रेस्पॉन्स सुन के सारे पब्लिक काफ़ी खुश हो गए और शाहरुख खान के भी फैंस चाहते हैं हाउसफुल 4 फिल्म को देखना। वहीं दोस्तों अगर बात करें ऋतिक रोशन की तो ऋतिक रोशन का हाल ही में रिएक्शन सामने आया। दरअसल आजकल ऋतिक रोशन बहुत सारे इंटरव्यूज़ कंडक्ट कर रहे हैं और खासकर अपनी फिल्म वॉर का प्रमोशन कर रहे हैं। उनका फिल्म वॉर रिलीज़ होने वाली है 2 अक्टूबर को, तो इंटरव्यू के दौरान जब ऋतिक रोशन से पूछा गया कि सर आपको अक्षय कुमार की फिल्म हाउसफुल 4 के बारे में क्या कहना है, आपकी भी फिल्म रिलीज़ हो रही है और उनकी भी फिल्म रिलीज़ हो रही है दिवाली के मौके पर, तो आपको कुछ कहना है तो प्लीज़ हमको बताइए। ऋतिक रोशन ने सबसे पहले अक्षय कुमार की तारीफ की। उन्होंने कहा कि अक्षय कुमार जैसा बॉलीवुड में और कोई एक्टर नहीं है, उनकी फुर्ती देखकर मैं खुद हैरान रहता हूं और मैं भी चाहता हूं कि काश मैं भी वैसा फुर्तीला इंसान रहूं, लेकिन मैं काफ़ी ज़्यादा आलसी इंसान हूं। वहीं हाउसफुल 4 फिल्म को लेकर उन्होंने कहा कि अक्षय कुमार की जो हाउसफुल 4 फिल्म आ रही है वो तो ज़बरदस्त होने वाली है। साथ ही साथ दोनों की फिल्में रिलीज़ हो रही हैं, एक मेरी वॉर और उनकी हाउसफुल 4, लेकिन जो कंटेंट है दोनों फिल्म का वो काफ़ी ज़्यादा अलग है। मेरी फिल्म एक्शन से भरपूर होने वाली है और उनकी जो फिल्म होगी वो कॉमेडी से भरपूर होने वाली है, तो दर्शकों को काफ़ी ज़्यादा चॉइस मिलेगी देखने के लिए और जल्द से जल्द हमारी फिल्मों में 1 महीने का गैप है और ऐसे में मैं उम्मीद करता हूँ कि अक्षय कुमार की फिल्म ज़्यादा अच्छा बॉक्स ऑफिस पर करे और मेरी भी फिल्म अच्छा करेगी बॉक्स ऑफिस पे, ये कहना था ऋतिक रोशन का। तो दोस्तों ये था रिएक्शन फिल्म हाउसफुल 4 को लेके जो हमने आपको बता दिया। भाई आपको कैसा लगा फिल्म का ट्रेलर नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं। रोज़ की बॉलीवुड खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें टॉप ओपन फैक्ट्स ताकि बॉलीवुड की हर खबर मिले आपको सबसे पहले। धन्यवाद।